Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ulama-e-Abbas School. Today we are here with another video of class 10th AKUEB practical. So let's see the objective of our today's experiment. Today we have to find the focal length of a convex lens by using a parallax method. हमें कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए उसकी फोकल लेंथ मालूम करेंगे पैरेलेक्स मेथड से। हम अपनी परफॉर्मेंस में देखेंगे कि पैरेलेक्स मेथड क्या होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज आर कॉन्वेक्स लेंस। सो लेंस एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास है जिसका सेंटर पार्ट थिक हो और जो एजेस हैं वो थिन हो, तो ऐसा लेंस कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है और कॉन्वेक्स लेंस की ही हम फोकल लेंथ मालूम करने जा रहे हैं। तो फोकल लेंथ को अगर हम देखें तो फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है लेंस के अंदर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां तमाम पैरेलल इंसिडेंट रेज लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद मीट करती है। सो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे कैलकुलेशन के अंदर, दैट इज 1 ओवर f इक्वल्स टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q, वेयर p एंड q आर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस व्हाइल f इज द फोकल लेंथ। देन हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल को देखें तो यहाँ हमारे पास एक लेंस मौजूद होगा और दो पिन्स मौजूद होंगी। एक पिन हमारी ऑब्जेक्ट पिन कहलाएगी जबकि दूसरी पिन हमारी इमेज पिन कहलाएगी। सो हम इस टेबल को यूज करके जो है वो फोकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। जो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी वो हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे। तो हम यहाँ टोटल ऑफ 3 परफॉर्मेंस परफॉर्म करेंगे और इन्हीं 3 परफॉर्मेंस से उस लेंस की फोकल लेंथ और फाइनली हम इन तीनों फोकल लेंथ का एवरेज मालूम करेंगे। नाउ लेट्स सी द अपरेटस दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देन वी हैव अ मीटर स्केल और इस मीटर स्केल को यूज करके हम ये दो पोजीशंस और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करके हम डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस मालूम करेंगे। देन हमारे पास एक स्टैंड मौजूद है और इस स्टैंड के अंदर हम इस अपने कॉन्वेक्स लेंस को फिक्स करेंगे। तो ये हमारे पास लेंस को फिक्स करने के लिए एक स्टैंड आ गया और फाइनली हमारे पास ये दो पिन्स मौजूद हैं जिसमें से एक पिन को हम कहेंगे वन इज द ऑब्जेक्ट पिन और जो दूसरी पिन है वो हमारी इमेज पिन कहलाएगी। तो ये थे हमारे कुछ सिंपल से अपरेटस। अब चलते हैं अपनी परफॉर्मेंस की तरफ के इन अपरेटस को यूज करके हम किस तरह से अपने इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर अपने स्केल को जो है वो उस तरह से हॉरिजॉन्टली टेबल के ऊपर फिक्स कर दिया है। देन हम अपना जो है वो इस लेंस को ले लेते हैं और लेंस को मैंने यहाँ 50 सेंटीमीटर के मार्क के ऊपर प्लेस कर दिया। तो अगर हम यहाँ पोजीशन देखें लेंस की, तो लेंस की जो पोजीशन है वो हमने 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर प्लेस कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लेंस में से ये साइड से हम ऑब्जर्व करेंगे और इस साइड के ऊपर हम अपने ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट पिन को जो है वो प्लेस करते हैं। तो हमारे पास दो पिन थी, एक ये पिन थी और एक ये दूसरे पिन थी। तो इन दो पिन में से एक पिन को हम प्लेस कर देंगे इस लेंस के इस तरह से पीछे। लेंस के पीछे हमें इसको प्लेस करना है और हम स्लोली इस जो पिन है वो हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे और उसकी जो इमेज है वो हमें यहाँ लेंस में से देखनी है। लेंस में से देखते हुए हमें इस पिन को इस तरह से प्लेस करना है कि हमें इस लेंस के अंदर ये पिन नजर आए और नजर आने के बाद जो है वो उसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल सेम हो जो कि हमारी ऑब्जेक्ट स्पिन की ओरिजिनल थिकनेस है। तो अगर हम इस लेंस के अंदर से देखें
ओके सो एज यू हैव कैन सी जो अभी हमें पिन नजर आ रही है वो इस लेंस के अंदर हमें थिक पिन नजर आ रही है और इरेक्टेड इमेज इसकी नजर आ रही है। जैसे जैसे मैं इसको करीब लाऊंगा ये हमारी पिन की जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी और जब मैं दूर लेके जा रहा हूँ तो उसकी थिकनेस जो है वो कम बढ़ती जा रही है ये पिन, और जैसे जैसे मैं इसको और दूर लेके जाऊँगा इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट पे आके ये हमारी जो इमेज है वो अब हमें इन्वर्ट होके नजर आएगी। सो एज यू कैन सी अब हम जो लेंस में से इस पिन की इमेज देख रहे हैं वो हमें इन्वर्टेड इमेज नजर आ रही है, हमें उल्टी इमेज नजर आ रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी इस ऑब्जेक्ट पिन को प्लेस करना है और ऑब्जेक्ट पिन को प्लेस करने के बाद हमें इन दोनों पिन्स को टिप टू टिप इस तरह से एक फिक्स पोजीशन के ऊपर प्लेस करके दिखाना है। जब हम इसको इस तरह से टिप टू टिप मूव करेंगे प्लेस करने के बाद, देखें जब हम मूव कर रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट पिन है ये वाले पिन हमारी ऑब्जेक्ट पिन है और जो हमें लेंस के अंदर नजर आ रही है इट इज द इमेज पिन। तो ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ तो देखें दोनों अलग अलग एक मूव कर रही है, एक साथ मूव नहीं कर रही। जब मैं इसे एक फिक्स पोजिशन के ऊपर सेट करता हूँ तो सेट करने के बाद ये दोनों पिन्स एक साथ मूव करती हैं। मैं इसको दोबारा और थोड़ा सा शार्प करके दिखाता हूँ कि दोनों की टिप एक दूसरे के साथ मीट करेंगी और जब हम अपने लेंस को अपने हेड को मूव करते हैं तो ये दोनों जो है वो एक साथ मूव करते हैं। ओके सो ये मैंने जो है वो एक पोजिशन फिक्स की है हमारे ऑब्जेक्ट पिन की, तो और जो लेंस के अंदर हमें नजर आ रहा है इट इज द इमेज पिन। तो ऑब्जेक्ट पिन को अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन की दोनों जो टिप है वो एक दूसरे के साथ मीट कर रही है, कंसाइड कर रही है, और अगर हम अपने हेड की मूवमेंट को मूव करते हैं, अपने हेड को मूव करते हैं तो हेड को मूव करने के साथ साथ जो इमेज पिन और ऑब्जेक्ट पिन है ये दोनों एक साथ मूव कर रही है। तो हमें इन तीनों चीजों की ऑब्जेक्ट पिन, इमेज पिन और हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको इस तरह से फिक्स करना है, इस तरह से सेट करना है कि ये ऑब्जेक्ट पिन इमेज पिन जो है वो इस तरह से मीट करें, और मीट करने के साथ साथ जब आप अपने हेड को मूव करते हैं तो हेड को मूव करने से ये दोनों एक साथ मूव करें। तो ये हमारे एपरेटस की सेटिंग इस तरह से हो चुकी है। अब हम ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं कि हम इसे किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। सो साइड से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सेटिंग है एपरेटस की वो कुछ इस तरह से की हुई है। यहाँ जो हमारे पास पिन मौजूद है इट इज़ दी इमेज पिन, यहाँ ये वाली जो पिन मौजूद है इट इज़ दी ऑब्जेक्ट पिन, और ये हमारा लेंस मौजूद है। तो अगर हम अपने लेंस की पोजीशन को देखें तो हमारे लेंस की जो पोजीशन है तो हमारी जो लेंस की पोजीशन है वो 50 सेंटीमीटर पे हमने रखी थी। तो हम इसे अपने पास नोट कर लेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में कि हमारा जो लेंस है वो 50 सेंटीमीटर मार्क पर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपने इस इमेज पिन को देखें, दिस इज आवर इमेज पिन, तो हमारी इमेज पिन की पोजीशन भी हमें यहाँ नजर आ रही है कि इमेज पिन हमारी लाई कर रही है 26.5 के ऊपर। तो ये इमेज पिन की पोजीशन आ गई। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट पिन को देखें तो ऑब्जेक्ट पिन की जो पोजीशन है वो है अराउंड 67। तो 67 पे हमारी ऑब्जेक्ट पिन है और इमेज पिन हमारी मौजूद है 26.5 पर, और हमारा जो लेंस है वो हमारा मौजूद है 50 सेंटीमीटर मार्क पर। सो यहाँ हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई। हमें बिल्कुल उसी तरह से सेकंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी है, उसी तरह से हम लेंस को, ऑब्जेक्ट पिन को और इमेज पिन को सेट करेंगे। तो सब पहले हमने 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर प्लेस किया था, अब मैं अपना लेंस प्लेस कर रहा हूँ एट 60 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ अगर हम देखें हमारा लेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर मार्क पर मौजूद है। तो मैंने यहाँ 60 सेंटीमीटर पे अपना लेंस प्लेस कर दिया। देन हमारी जो इमेज पिन थी हम उसको लोकेट पोजीशन पे प्लेस करते हैं। तो हमें इस लेंस के अंदर देखना है कि लेंस के अंदर देखें, अगर हम यहाँ देखें तो इमेज हमें जो है वो इरेक्टेड नज़र आ रही है। हमें क्या करना है, हम उसको पीछे लेकर जाएंगे। देखें जब मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ तो पीछे ले जाते हुए इसकी इमेज बड़ी होती जा रही है, और बड़ी होते होते वो पॉइंट पे इसकी इमेज बिल्कुल गायब हो जाएगी, और गायब होने के बाद जब दोबारा हमें नज़र आती है तब वो हमें
इन्वर्टेड इमेज नजर आती है। तो यहाँ अगर हम देखें, मैं इसको दोबारा सेट करके दिखाता हूँ, यहाँ अब जो हमें इमेज नजर आ रही है वो इन्वर्टेड इमेज है। देखिए यहाँ हमें इमेज नजर आ रही है, इस एंगल से जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे इस पिन की इमेज और इन्वर्टेड इमेज नजर आ रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट परफॉर्मेंस में किया था, अब हमें अपनी इस ऑब्जेक्ट पिन को प्लेस करना है और प्लेस करने के बाद कुछ इस तरह से सेट करना है कि अब ये दोनों इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन ये दोनों एक साथ इस तरह से एक दूसरे के साथ कंसाइड करें, और कंसाइड करने के बाद जब मैं इसे मूव करूं तो मूव करने से ये दोनों एक साथ मूव हो। तो मैं इसको प्लेस करके दिखाता हूं। ओके, सो अब जब हम इस ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन को देख रहे हैं तो वैसे देखें दोनों पिन जो है वो एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं, और जब हम अपने हेड को मूव करते हैं तो हेड को मूव करने से ये दोनों एक साथ मूव हो रही हैं। अगर मैं इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दूं तो आप देखिए जब इन दोनों को मैं मूव करता हूं तो यहां ये दोनों कंसाइड कर रही है, और जब मैं और मूव करता हूं तो दोनों अलग हो जाती हैं। तो हमें ऐसी पोजीशन पे फिक्स नहीं करना, हमें उस पोजीशन पे फिक्स करना है जब ये दोनों एक साथ इस तरह से कंसाइड भी हों, और जब अपने हेड को मूव करें तो वो दोनों एक साथ मूव हो सकें। सो यहाँ मैंने दोबारा से इसको प्लेस किया, फिक्स किया पोजीशन। देखें अब जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो मूव करने से दोबारा हमारी पिन, ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन दोनों अलग अलग मूव कर रही हैं, सॉरी एक साथ मूव कर रही हैं, दोनों एक दूसरे से कंसाइड कर रही हैं। जब हम अपने हेड को मूव कर रहे हैं तो हेड को मूव करने से भी ये दोनों पिन एक दूसरे से अलग नहीं हो रही, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ फिक्स हैं। तो हमारी जो एपरेटस की सेटिंग है वो हो चुकी है। अब हम जो है वो स्केल के ऊपर इनकी मेजरमेंट देखते हैं। ओके, सो ये हमारी लेंस की पोजीशन थी, ये हमने यहाँ पे लेंस प्लेस किया था। तो ये लेंस की पोजीशन हमारे पास 60 है, 60 पे हमने लेंस प्लेस किया है। अब अगर हम अपनी इमेज की पिन की पोजीशन देखें तो इमेज पिन की पोजीशन ऑलमोस्ट आ रही है 38 के ऊपर, तो इमेज की लोकेशन हमारी 38 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट पिन की तरफ आए तो ऑब्जेक्ट पिन देखें ये हमारी प्लेस की हुई है 78 पर। तो इन वैल्यूज को हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर नोट कर लेते हैं। सो यहाँ हमारी सेकेंड परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई। बिल्कुल उसी तरह से हम जल्दी से थर्ड परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। थर्ड परफॉर्मेंस में भी हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब मैं अपनी इस लेंस की पोजीशन को, पहले मैंने 60 पे प्लेस किया था, तो अब मैं इसे प्लेस कर देता हूँ 70 पे। तो ये जो मेरा लेंस है, लेंस की जो पोजीशन है, अगर हम देखें और से 70 सेंटीमीटर पर प्लेस किए हुए। बिल्कुल उसी तरह से अब मैं यहाँ पर इसके पीछे ये इमेज पिन प्लेस करूंगा और उसके बाद फिर इस ऑब्जेक्ट पिन को प्लेस करूंगा। तो पहले मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ शो करता हूँ कि हमें किस तरह से रीडिंग लेनी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ हमें जो है वो इमेज नजर आ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि इरेक्टेड इमेज है। तो इरेक्टेड इमेज हमें नजर आ रही है फिलहाल लेंस के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें इस इमेज पिन को पीछे लेकर जाना है। जब मैं देखें पीछे लेकर जा रहा हूँ तो वैसे वैसे इमेज बढ़ी हुई जा रही है और ब्लर हो रही है। ब्लर होने के बाद जब ये दोबारा हमें नजर आएगी तो दोबारा हमें अब ये इन्वर्टेड नहीं होगी, बल्कि अब ये मुझे इरेक्टेड इन्वर्टेड इमेज नजर आएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर, देखें तो यहाँ से जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे एक इन्वर्टेड इमेज नजर आ रही है। बिल्कुल स्टार्ट में जब ये पिन बिल्कुल करीब थी लेंस के तो हमें इरेक्टेड इमेज नजर आ रही थी। जैसे जैसे मैंने उसको पीछे करता गया इमेज बड़ी होती गई, तो बड़े होने के बाद अब हमें ये उल्टी इमेज नजर आ रही है। इसके बाद मुझे अपनी इस ऑब्जेक्ट पिन को प्लेस करना है, और प्लेस करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें इस तरह से प्लेस करना है कि ये दोनों पिन जो है वो एक दूसरे के साथ कंसाइड भी करें, और कंसाइड करने के साथ साथ जब आप अपने हेड को मूव करें, देखें अब ये फिलहाल कंसाइड तो कर रही है, बट जब मैं अपने हेड को मूव कर रहा हूँ तो हेड को मूव करने से ये दोनों अलग अलग मूव कर रही है। तो मैं दोबारा से उसको सेट करके दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से सेट करना है ताकि दोनों कंसाइड भी करें और साथ साथ एक साथ मूव भी करें। ओके, सो यहाँ ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन देखें, यहाँ बिल्कुल लेंस के सेंटर में देखें तो दोनों एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रही है टिप टू टिप,
और जब मैं अपने हेड को मूव कर रहा हूँ तो हेड को मूव करने से ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों सेपरेट नहीं हो रहे। तो हमें इन तीनों चीज़ों से कुछ इस तरह से प्लेसमेंट करनी है। तो आप चलते हैं अपने रूलर की तरफ, रूलर के ऊपर हम इन तीनों की पोजिशन को फाइंड आउट करते हैं। सो ये हमारी कुछ पोजीशन है एपरेटस की परफॉर्मेंस के दौरान। तो लेंस की अगर हम पोजीशन देखें तो लेंस की पोजीशन हमें नज़र आ रही है कि इट इज़ एट 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर पे हमारा लेंस प्लेस किया हुआ है और ये हमारी इमेज की पोजीशन है। तो इमेज की जो पिन है वो हमारी आ रही है 49.5 पर। तो ये 49.5 इस लेंस का जो सेंटर वाला पार्ट है ये 49.5 पे आ रहा है इस पिन का। इसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट पिन को देखें तो ऑब्जेक्ट पिन जो लाई करी इट इज एट 90 सेंटीमीटर। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन हो गई 90 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी परफॉर्मेंस कि हमें किस तरह से इन चीज़ों को प्लेस करके कुछ मेजरमेंट्स लेनी है। अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ और कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमने जो ये लेंस यूज किया है इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। तो ये हमारी वो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो अभी हमने तीन परफॉर्मेंस के बाद नोट किए हैं, हमारी लेंस की पोजीशन, हमारी इमेज की पोजीशन और हमारी ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन। अब हमें दो डिस्टेंस चाहिए, वन इज पी एंड वन इज क्यू। पी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड क्यू इज द इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट पिन से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट पिन इमेज पिन से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस। तो ये हमने यहाँ डिस्टेंस मालूम की है। सो ओ एल या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ओ से लेकर एल तक का डिस्टेंस। सो इस ओ वाली पोजीशन को और एल वाली पोजीशन को हमने माइनस कर दिया, सो वी गेट 17 सेंटीमीटर। सो इमेज डिस्टेंस जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम आई टू एल या इमेज और लेंस के दरमियान का डिस्टेंस, सो इमेज और लेंस के दरमियान का डिस्टेंस मौजूद है 50 माइनस 26.5, हमारे पास आ गया 23.5। बिल्कुल इसी तरह से बाकी दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में भी हमने कुछ इसी तरह से किया है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करने के लिए या पी मालूम करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेंस की पोजीशन में से माइनस कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से इमेज का डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमने इमेज की लोकेशन, ये इमेज की लोकेशन और ये लेंस की पोजीशन, इन दोनों को माइनस कर दिया। तो इस तरह से हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने लेंस फॉर्मूला की तरफ कि किस तरह से लेंस फॉर्मूला को यूज करके हम फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला है पी क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। तो इसी फॉर्मूले को मैंने सिंप्लीफाई करके सब्जेक्ट बनाया है फॉर फोकल लेंथ। यहाँ हमें P और Q की वैल्यूज रिक्वायर्ड है। सो वी हैव दी वैल्यू ऑफ इन फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वी हैव P 17 एंड Q 23.5। सिमिलरली फॉर सेकंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन the value of P is 18 and the value of Q is 22. Then इसी तरह से third observation में भी values हमारे पास मौजूद हैं। हम इस formula के अंदर put करते हैं और F की value को find out करते हैं। तो यहाँ हमने अपनी तीनों सेट ऑफ परफॉर्मेंस में से पी और क्यू की वैल्यूज को फाइंड किया है, पुट करके एफ की वैल्यू फाइंड किए। तो पी हमारे पास 17 और क्यू 23.5 था, तो मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया, सॉल्व किया एंड फोकल लेंथ इज 9.86। सेकेंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में पी हमारे पास 18 है, क्यू 22 है, वैल्यूज को पुट किया एंड फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 9.90। सिमिलरली फॉर द लास्ट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20, इमेज डिस्टेंस इज 20.5, मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया एंड रिजल्ट इज 10.12। तो मेरे पास तीन सेट ऑफ परफॉर्मेंस से तीन फोकल लेंथ आ गई है उस सेम कॉन्वेक्स लेंस की। सो फाइनली हम अपने रिजल्ट के लिए मैंने इन तीनों फोकल लेंस का एवरेज फाइंड आउट किया है बाय टेकिंग द सम ऑफ दीज थ्री वैल्यूज एंड डिवाइडिंग बाय 3। सो आवर रिजल्ट इज 9.96। सो हमने जो लेंस यूज किया था उसकी अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर एंड नाउ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ दिस फोकल लेंथ इज 9.96, दैट इज वेरी क्लोज टू आवर दिस अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ।
So here we come at the end of our class. इसमें हमने एक convex lens की focal length को find out करना सीखा by parallax method. जिसमें हमारे पास हमने तीन set of observation perform की और वहाँ से तीन different focal length निकाल के as a result हमने average find out किया उस convex lens की focal length का. So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with some other practical from AKUAB practical list. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to.